नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 19 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। 19 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप साइन साइन मून साइन किसी भी साइंस, अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी लव लाइफ की क्या स्थिति है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप किसी भी तरह के रिश्ते में हो सकते हो, ये जरूरी नहीं कि रिश्ता किस तरीके की है, ये लव रिलेशन होना चाहिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के रिश्ते में हो, ये आप जानो। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है जो बात मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये आपके पर्सन के साथ मैच कर जाए और जो उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ मैच करे। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर बाद में कोई भी रीडिंग मैं अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। वाओ, टू ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी तो बहुत ज्यादा प्यार में पागल है आपके। करंटली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको अपना सोलमेट जैसा समझ रहा है, आपसे प्यार पाना भी चाहते हैं, आपको प्यार देना भी चाहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं टू ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए, क्यों ये। हाँ, चैरी और रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ये हो सकता है कुछ दिन पहले पास्ट बैगेज के साथ, मतलब कुछ दुख कुछ परेशानी के साथ रिश्ते से मूव ऑन किया था बंदा या बंदी, या फिर आपने किया था, जो भी हुआ था ये अभी उस चीज को याद नहीं रखना चाहते हैं। करंटली ये दोबारा से रिश्ते को पाना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं। रिश्ते को ये मैनिफेस्ट कर रहा है, रिश्ते को चांस देना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इतनी कितना भी कुछ हो जाए फिर से रिश्ता आप दोनों, मतलब वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके बारे में सोचता है, तो होना हो ये तो सोलमेट का ही रिश्ता हुआ उनको ये लगता है। और ये अभी अपनी विजन को भी क्लियर कर लिया है इन्होंने, इनको क्या चाहिए। हो सकता है ये पहले आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहा था, रिश्तों में अपने लिए सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा था, तो करंटली ये इस रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हैं। ये रिश्ते की हर पहलू को इन्होंने खंगाला, देखा, सोचा, अभी उनको लगता है नहीं कुछ तो बात है वही रिश्ते में, तो रिश्ते को क्यों ना एक मौका दिया जाए। इन्होंने मूव ऑन किया था रिश्तों से, या फिर आपने किया था लेकिन आपकी वोल्टेज इतनी हाई है, एनर्जी इतनी हाई है, ये बंदा या बंदी कुछ कहने से थोड़ा डरता है, क्योंकि इनको लगता है जब भी मैं मुंह खोलूंगी बोलने जाऊंगा या जाऊंगी ये मुझे सामने से अटैक करेंगे। लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है ये दूसरा मौका चाहता है, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। अभी देख लेते हैं ये क्यूरियस आप क्या चाहते हो।
फाइव ऑफ कप्स, आप तो दुखी हो भैया, आप बहुत ज्यादा पेन में हो, दुखी हो। आपने हो सकता है किसी और के लिए इनको ठुकराया था, तो अभी वहां से आपको वही ट्रीटमेंट मिला भाई, इसीलिए आप दुखी हो। जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, जो नहीं है उसके पीछे मरे जा रहे हो। करंटली आप दुखी हो। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। अभी आपको जस्टिस याद आया बच्चू। स्टार के कार्ड देखो, आप ही के रीडिंग है, आप ही के कार्ड आए हैं। क्यूरियस, जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए। क्यों, आपने किया किसी के साथ जस्टिस? एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग। आपने तो किसी को इग्नोर किया था भाई, तभी तो आपको इस तरह की ट्रीटमेंट मिला है। अभी आपको जस्टिस चाहिए। जब लोगों के साथ अन्याय करते हो तब याद नहीं रहता है। अभी आपको जस्टिस चाहिए। जस्टिस किया है कभी किसी के साथ? किसी और के लिए अगर आपने अपने पर्सन को छोड़ा है तो अभी आपको तो वही मिलेगा, जो बांटोगे वही तो मिलेगा। अभी आपको जस्टिस चाहिए, न्यू बिगिनिंग चाहिए, खुद को हील कर रहे हो। आपको अभी समझ आ गया है, अभी आप समझने लगे हो, मैंने क्या किया, मैंने गलत किया, मेरे साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे रिश्ते में नई शुरुआत चाहिए, अपनी लाइफ में नया कुछ चाहिए मुझे। मुझे नए नए तरीके से रिश्ते को चाहिए। जब आपने इस रिश्ते को इग्नोर किया था बच्चू, तब आपको याद नहीं था। अभी जस्टिस चाहिए। अभी खुद को इतना ज्यादा मतलब मेंटल प्रेशर में आप हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि भैया सब छोड़ छाड़ के कहीं अकेला जाके मैं रह जाऊं, कोई ना मेरे को डिस्टर्ब करे, कोई ना आए मेरे सामने। मुझे तो जस्टिस मिलनी ही मिलनी है। आप किसी लिब्रा के साथ रिश्ते में हो सकते हो, किसी लियो के साथ हो सकते हो, किसी कैंसर के साथ हो सकते हो। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। वो तो रिश्ते को करंटली दोबारा मौका देना चाहते हैं, और आप भी नई शुरुआत चाहते हो। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। सेवन ऑफ सोर्स, आपके बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं। आपने क्या छुपाया उनसे वही जानना चाहते हैं। ये आपके राज ये ढूंढता रहता है बंदा या बंदी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, ये तो रिकॉन्सिलेशन चाहता है आपकी जो पर्सन है। क्यूरियस, बंदा या बंदी जो भी है, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ये मेहनत करना चाहते हैं रिश्ते में, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। हो सकता है ये पहले आपको वो नहीं बोल पाया जो इनको बोलना चाहिए था। हो सकता है इन्होंने पहले आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया था, इसीलिए आपने मूव ऑन किया था रिश्तों से। तो अभी ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ये आपकी सच्चाई जानना चाहते हैं, आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं, आईना दिखाना चाहते हैं। जो बात छुपा हुआ था, जिस बात के कारण रिश्ते में परेशानी आई है, उस बात को ये बाहर निकालना चाहते हैं, और ये अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर कुछ पास्ट बैगेज के साथ इन्होंने मूव ऑन किया था रिश्तों से, तो ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। कुछ अच्छे पल भी बिताए होंगे इन्होंने आपके साथ, उस पल को याद कर रहा है, ये चाहते हैं वो पल वापस आ जाए फिर से रिश्ते में। देख लेते हैं एक्वेरियस, आप खुद क्या चाहते हो। वैसे तो आप जस्टिस मांग रहे हो, आपने किया है जस्टिस? दिमाग से सोचने वाले लोग। हाँ, डेविल का कार्ड, आपको तो हमेशा कंट्रोल 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 इशू रहता है। आप रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हो, एडिक्शन है आपका, आपकी पर्सन के पति आपका एडिक्शन है। फिजिकली आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो उनकी तरफ,
देख लेते हैं डेविल के कार्ड क्यों आए। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन तो है, क्योंकि आपने किसी और के लिए इनको इग्नोर किया था, अभी आप खुद को। देख लेते हैं डेविल के कार्ड क्यों आए। हाँ जजमेंट, हाँ अभी तो आपको चाहिए। पेज ऑफ कप्स, अरे बाप रे बाप, एस ऑफ कप्स, आप भी माफी मांगना चाहते हो, आपका भी इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, क्या बात है। आप भी रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आप माफी मांगना चाहते हो, आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है। आज आपका दिमाग कहाँ गया, दिमाग से सोचने वाला एक्यूरियस, बहुत चूजी हो आप, बहुत सोच सोच के फूंक फूंक के कदम फेंकते हो, कदम रखते हो, क्या बोलते हो उसको, हो गया ना गलत। किसी को रुलाओगे तो क्या आपको क्या बरमाला मिलेगी, कभी नहीं, मिलता भी नहीं है। आपने किसी को रुलाया थर्ड पार्टी के लिए, अभी थर्ड पार्टी आपको वही ट्रीटमेंट दे रहा है, तो बच्चों अभी आप लौट के फिर वही आ रहे हो। अभी आप उनके लिए, आपके पुराने जो रिश्ते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, उनके लिए इमोशन उभर उभर के आ रहा है, आप खुद का इमोशन कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ना कर पा रहे हो, इसीलिए आप दोबारा से इस रिश्ते में आना चाहते हो। असल बात तो ये है कि आप फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो इनकी तरफ, और किसी किसी के लिए बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो बच्चों के लिए तो भाई रिश्ते में आना ही पड़ेगा। कभी कभी बच्चों के बहाने लेके फिर से दोबारा से एंट्री लिया जा सकता है, और अभी इमोशन भी आपका ओवरफ्लो हो रहा है, हाय रे मैंने क्या कर दिया, कितना अच्छा रिश्ता था हमारा, मैंने उसको बर्बाद कर दिया, नहीं भाई मुझे तो वही रिश्ता चाहिए। तो आपको अभी पुराने रिश्ते चाहिए, चाहे माफी माफी मांगना पड़े कोई बात नहीं। और आपकी किस्मत देखो भाई, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसका रीडिंग है पता नहीं आपके पर्सन भी चाहते हैं रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन, इनको भी आप ही चाहिए, और आपको भी वो चाहिए, फिर क्या लग पड़ो दोनों। आप माफी मांगने के लिए तैयार हो, हो सकता है आप इनके बच्चों की माता या पिता हो, अगर ना भी हुए तो क्या हुआ, प्यार तो है, बाद में बच्चे बन जाएंगे, बच्चे के बारे में सोच रहे हो, कोई कोई इनोसेंट एनर्जी में है, आपको लगता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है, जब भी मैं कहूंगी, जो भी मैं कहूंगा या कहूंगी, ये तब भी मेरे बात ही मान जाएंगे, इनोसेंट है ना। आप जितना दिमाग से सोचते हो ये इतना दिल से सोचते हैं, यही तो गलत कर देते हैं लोग। लेकिन मुझे लगता है आजकल एक्वेरियस भी थोड़ा दिल से सोचने लगे हैं भाई, तभी तो ये सब कप्स के कार्ड आए हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे पुराना रीडिंग याद आ जाता है, किस किस का एनर्जी आया था तब, जो लोग थे वो दिमाग वाले थे, अभी जिनके एनर्जी आ रहे हैं वो थोड़ा दिल से सोच रहे हैं, सोचना ही पड़ेगा, धोखा जो मिला है तुमको भी भाई। देख लेते हैं रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। आग दोनों तरफ से लगी हुई है, कोई दिखाई दे रहा है किसी का, किसी का दिखाई नहीं दे रहा है, चाह तो दोनों रहे हो आप रिकॉन्सिलेशन भाई, भगवान से भी प्रेयर कर रहे हो। वो जो बोलते हैं ना बच्चे के लिए हमने फिर से चले आए आपके लाइफ में, वरना नहीं आना था, इस तरह की बात करोगे आप लोग, मतलब किसी की दुहाई देके। जरूरत तो आपको भी है क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है आपकी। ओहो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या आता है। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी, अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करते हुए, खुशी हुई। कैप्रिकॉन हो सकते हैं बंदा या बंदी जिनके साथ आप हो, देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या होगी।
बाप रे, 5 ऑफ वंड्स। चलो देख लेते हैं 5 ऑफ वंड्स क्यों आए हैं। ये तो रहने वाला नहीं, इतना प्यार जहां है। हाँ वाव, क्या करें, कितनी अच्छी अच्छी कार्ड आ रहे हैं। देखो 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, पहले भी आया था, अभी म्यूचुअल एनर्जी में भी यही आया है। 5 ऑफ वंड्स के कार्ड भी आए हैं। क्यों पता है क्यों आया ये कार्ड? जब आप बात करना शुरू करोगे ना, तब थोड़ी लड़ाई झगड़ा होगी। तुमने ये कहा था, तुमने इसलिए मुझे इग्नोर किया था, किसी और के लिए मुझे ये किया वो किया। जैसे कि मैं ही जी रही हूँ इस रिश्ते को, जैसे मैं बता रही हूँ। क्योंकि सोर्स के कार्ड भी आए थे, क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड। अभी आपके पर्सन तो दिमाग से सोच रहा है, एक्वेरियस पहले ये सोचता नहीं था, लेकिन अभी ये भी सोच रहा है। म्यूचुअल एनर्जी में जो आया है, जो आउटकम जो है, ये बहुत बढ़िया है। ये पहले थोड़ी लड़ाई झगड़ा होगी, पहले आप लोग एक दूसरे से, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये कहा, किसी और के लिए मुझे इग्नोर किया, तुमने झूठ कहा, मुझे सब पता है, ये है वो है, कर करके जो दो बिल्लियां लड़ते हैं ना मुंह सामने करके, एक दूसरे के मुंह सामने का देखा कभी? तो बिल्लियों की लड़ाई होगी थोड़ी, फिर क्या होगा, प्यार तो है ना दोनों में, क्योंकि दोनों ही जो है 24/7 इस रिश्ते से खुद को अलग नहीं कर पाते हो। किसी भी थर्ड पार्टी में चले जाओ आप, ये रिश्ता आप भूल नहीं पाते हो एक्वेरियस, मुझे लगता है। आप कितनी भी थर्ड पार्टी में रहो, ये रिश्ता आपके दिल के करीब है, कुछ तो है इस रिश्ते में। फिर आप दोनों एक्शन लेने के बारे में सोचो। एक्शन मतलब ढाल तरवाल से मारपीट नहीं, मतलब चलो जो हुआ सो हुआ, मिलते हैं, बात करते हैं, फिर से आप एक साथ आ जाते हैं, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पाता या पाती, वो भी कहेंगे, फिर जल्दबाजी में आप लोग आगे आओगे, फिर अपना प्यार जो है आप दिखाओगे एक दूसरे को। ये होगा इस रिश्ते की आउटकम। दोनों ही प्यार को समझ रहे हो, और ये कोई ब्लेसिंग्स वाला प्यार है, सोलमेट वाला प्यार है ये। अभी पहले ये लिब्रा सॉरी एक्वेरियस की पर्सन को महसूस नहीं होता था ऐसा सोलमेट वाला कनेक्शन, सिर्फ एक्वेरियस के पर्सन को होता था, एक्वेरियस को नहीं होता था। लेकिन आजकल जो है ये एक्वेरियस भी महसूस करने लगे हैं, तभी तो उनका इमोशन ओवरग्लो हो रहा है। अरे भैया, मेरे पास इतना अच्छा रिश्ता था, मैंने अपनी गलती से रिश्ते को खराब कर दिया, इतना प्यार करने वाला बंदा या बंदी थी मेरे लाइफ में, लेकिन मैंने उनको हर्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। तो फिर क्या होगा, थोड़ी अनबन होगी, फिर प्यार हो जाएगा, और क्या, थोड़ी लड़ाई झगड़ा होगी, फिर प्यार होगा। क्योंकि 2 ऑफ कप्स जब आउटकम में आता है तो क्या होता है, आपको पता है, आप लोग रीडिंग सुनते हो, 8 ऑफ सोर्ड्स दोनों के ही आजादी है रिश्ते से बाहर जाने का, लेकिन कोई नहीं जा रहा है। हो सकता है कोई मैरिड कपल का किस्सा है ये, जिनके घर में बच्चे बीवी भी है, या फिर कोई अनमैरिड अगर होगा, या फिर कोई एक मैरिड है और कोई एक अनमैरिड है। थर्ड पार्टी थोड़ी तो थर्ड पार्टी है, थोड़ी नहीं है, थर्ड पार्टी है इसमें। ये 3 लोगों की किस्सा है, देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को, क्या करना चाहिए आप लोगों को एक्वेरियस। अच्छा लगा ये रीडिंग मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगा।
अरे हैंगमैन, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है, अगर आप जो जैसा चल रहा था इस तरीके से अगर चलने देते हो तो ये नहीं चलेगा, आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर हो ना हो कम से कम दोस्ती तो कर लो। एक गाना था पुराने दिनों का, हमसे तुम दोस्ती कर लो ये हंसी गलती कर लो, तो दोस्ती तो करो, कम से कम दोस्तों की तरह तो मिलो। रिश्ते में नई शुरुआत होना है, स्टेबिलिटी के साथ आप लोग रिश्ते में आओगे, एकदम इनोसेंट बन जाओ, जो हो गया सो हो गया। कुछ नए तरीके से सोचो, जो जैसा चल रहा था उस वैसा चलने मत दो, तो स्टक हो जाओगे आप लोग। रिश्ते को आगे बढ़ाओ, कम से कम दोस्ती तो कर ही सकते हो एक दूसरे के साथ। थर्ड पार्टी होने दो, है तो होने दो, जिसके लाइफ में जो है होने दो। अब देखो आपके साथ ये बंदा या बंदी क्या कर रहा है, दोनों को बोला जा रहा है। और नई शुरुआत कर लो अपनी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग करो। कुछ ज्यादा मैच्योरिटी मत दिखाओ, जो सामने है उसके बारे में सोचो, जो हो गया उसे भूल जाओ, जो नहीं है, जो आपके सामने नहीं है, जिसे आप देख नहीं रहे हो, हवाई तीर मत चलाओ। जो बंदा या बंदी आपके सामने है उसके साथ अच्छी तरीके से रहो। प्यार अगर ना भी आता हो, अभी आएगा जरूर, लेकिन फिर भी यूनिवर्स जी तो दयालु हैं, तो वो कह रहे हैं कि प्यार अगर ना भी आ रहा है, ना दिखा पा रहे हो, तो दोस्ती तो कर ही सकते हो, कर लो खुशी खुशी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।